कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ मैं, कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग प्रेफर कर। चलो भाई, तो एल्कीन्स में हम लोगों ने देखा था इसका रिएक्शन स्टार्ट किया था, है ना। तो पहला रिएक्शन हमने कर लिया था मार्कोवनी कॉफ्स एडिशन रूल, मार्कोवनी कॉफ्स एडिशन रूल करके लिया था। मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल के बाद हम लोगों जी ने रिएक्शन विथ Br2 करके लिया था, है ना। रिएक्शन विथ Br2 करके लिया था। तो अगर रिएक्शन विथ Br2 ले लिया तो हम लोगों ने देखा था Br मतलब मार्कोवनिकॉफ्स रूल, देन एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल, और एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल ऑलवेज ऑब्जर्व विथ HBr ओनली, है ना। मार्कोवनिकॉफ्स रूल इज ऑब्जर्व विथ HBr ओनली। फिर रिएक्शन विथ Br2 हमने करके लिया था जो एक दूसरे के एंटी ऐड होते थे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन विथ H2SO4 लिया था। तो रिएक्शन विथ H2SO4 में हम लोगों ने लिखा था कुछ नहीं बल्कि वो डाइल्यूट ही लेकर के चलना चाह रहे थे, CH3 CH CH2 एंड देन H2SO4, इट मे बी कंसंट्रेटेड ऑल्सो। ये ब्रेक होता था H+ एंड HSO4-। मम्मी पापा कॉन्सेप्ट से मैंने देखा कि CH पर प्लस, CH2 पर माइनस, माइनस वाले के पास प्लस, प्लस वाले के पास माइनस भेज दिया मैंने। फिर से इसको वाटर के साथ हीट किया था, है ना, या मैं डेल्टा लगा दूं तो HSO4 वाटर है तो इज रिप्लेस्ड बाय OH। कुल मिलाकर के ये है क्या, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन है। अगर दिल से रिएक्शन होता था तो वाटर निकलता था, और जो वाटर निकलता था H+ OH- होता था। मम्मी पापा कॉन्सेप्ट से CH पे प्लस चार्ज आ गया और CH2 पे माइनस चार्ज आ गया, जिसकी वजह से प्लस चार्ज के पास OH- आ जाएगा, है ना। टिल नाउ एनी प्रॉब्लम प्लीज, नो सर, टिल नाउ एनी प्रॉब्लम प्लीज। नो सर, नहीं है। इट इज फॉलोइंग मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल, इट इज फॉलोइंग मार्क, आई एम सेइंग फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ्स रूल। फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ्स रूल का मतलब है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे चला जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम हुआ करता था, है ना। नेगेटिव पार्ट वहां पे चला जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम हुआ करता था। तो एक दो रिएक्शंस हम लोग और भी कर लेते हैं। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। दो चीज है, तुमको बुक में ही वाटर लिख करके दिया है और H+। कहने का मतलब है डाइल्यूट एसिड है जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड एंड H+ मेरे पास आया। दिस इज एसिडिक रिएक्शन, एसिडिक एंड दिस इज हाइड्रेशन। इसके पहले पढ़ा था डिहाइड्रेशन, नाउ दिस इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्यों? क्योंकि H+ OH- ऐड हो रहा है। डिहाइड्रेशन क्यों होता था? एलिमिनेशन में HNOH रिलीज हो जाता था, है ना, वहां से ऐसा होता था। बिकॉज ऑफ मम्मी पापा कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ मम्मी पापा कॉन्सेप्ट, यस, एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यू कैन से, बिकॉज ऑफ मम्मी पापा कॉन्सेप्ट, ये देखो,
है ना, और प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस ऐड कर दो, प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस ऐड कर दिया जाए, प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस ऐड कर दो, ये हम लोगों ने करके लिया था। और भी अगर मुझे रिएक्शन करना है, सपोज H2O और H+ लिख दिया, ऊपर ज्यादा कार्बन है, मम्मी पापा के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां बात करके गया बस, ठीक। ध्यान से देखो, ऊपर दो कार्बन है, नीचे भी डबल बॉन्ड के अराउंड दो कार्बन है, बट क्या करना है मुझे, ये देखना है कि हाइड्रोजन की रकम है ऐसा, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अब इधर तुम तीन कार्बन लगा दो, डजंट मैटर। पता है क्यों? क्योंकि जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है वो स्टेबल है, वो टर्शरी है, और ये कार्बन आयन है ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इधर थ्री कार्बन है, इट इज बिलोंगिंग टू प्लस आई इफेक्ट, और ये डेल्टा निगेटिव चार्ज देगा, माइनस चार्ज को ऑन और अनस्टेबल कराएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल वहीं पर आना चाहिए। तो टर्शरी वाले के पास ज्यादा कार्बन है, टर्शरी वाले के पास कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई इट विल बी स्टेबल वन। काही प्रॉब्लम आहे का? दिस इज एज पर एज टेक्स्टबुक। ठीक, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं ऐसा बोल दूं और भी लेकर के, ये देखो, एक्वा मीन्स क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट एल्कोहलिक वाला तो खड़ूस होता था, वो डबल बॉन्ड बनाता था, ये लोग क्या है, एक्वा डाइल्यूट, डील से रिएक्शन हो रहे हैं, तो ये जिधर ज्यादा कार्बन है उधर ओएच ऐड कर देंगे। प्लीज नोट डाउन फास्ट। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया था, फिर भी ओके, काही प्रॉब्लम आएगा? नो सर। नहीं, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्लीज। नाउ नेक्स्ट हेडिंग प्लीज। बताओ, अभी भी तीन चार लोग ज्वाइन किए हैं, क्या मीनिंग है इन लोगों का ज्वाइन करने का अगर ये 20-20 मिनट लेट आते हैं तो? कह कह करके मैं थक गया हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग क्या होता है, 20 मिनट लेट आते हैं और 20 मिनट पहले छोड़ के चले जाते हैं, मतलब इनका मेन एम है कि अटेंडेंस लग जाए बस, मम्मी पापा को दिखा दूं कि मैंने क्लास अटेंड किया है, दिस इज द ओनली टारगेट। और डॉक्टर और इंजीनियर भी बनना चाह रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग इज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स।
अभी वर्ड क्या यूज करा, लिसिस। लिसिस मीन्स क्या होता है, टू ब्रेक डाउन, और किससे ब्रेक कर रहा हूं, ओजोनोलिसिस, है ना, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस यानी ओजोन से ब्रेक कर रहा हूं। तो अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, बाद में नोट करेगा। आर आर प्राइम का मतलब क्या हो गया, हो सकता है इधर CH3 हो, इधर C2H5 हो, मतलब कहने का मतलब टू अल्काइल ग्रुप्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर, सेम भी हो सकते हैं, सेम हमने जानबूझ करके नहीं लिया है, ठीक। दिस इज रिएक्टिंग विथ ओजोन, ये क्या करता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन 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 वाला ग्रुप, ये क्या करता है, ओ ओ, इसको मैं बोला करता हूं ओजोनॉइड, इसने क्या बना लिया, घर बना लिया, क्या बना लिया, याद करने के लिए बोल लिया कि इसने घर बना लिया। और जब मैं यहां पर जेडन और इन द प्रेजेंस ऑफ H2O लेता हूं, तो मेटल है, जेडन इज कन्वर्टेड इनटू जेडन ओ, मतलब प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में चला गया, तो इसलिए इसका रिडक्शन होना चाहिए। कैसे, ये जो डॉट डॉट दिखा रहा हूं, ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ध्यान से देखो, तीन ऑक्सीजन थे, ऊपर वाला ऑक्सीजन निकल गया, सीएच के पास ओ आ गया, राइट वाले सीएच के पास भी ओ आ गया, सो दिस इज आर सी एच ओ, ये देखो, ऐसा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान से देखो, मैंने बोला था नोट नहीं करना है, मैं आगे एग्जांपल में बताता हूं, जहां पर भी डबल बॉन्ड दिख जाए और ओजोन के साथ रिएक्शन, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल तलवार निकाला, खचाक खचाक कट किया, और बीच में कुछ कर मत करो, और लड्डू पकड़ा दो दोनों साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, ठीक, ये मोदक लड्डू पकड़ाया, कुल मिलाकर के अब ओ और ओ हो गया। तो व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विथ ओजोन, देन इट फॉर्म्स ओजोनॉइड, एंड ऑन रिएक्शन विथ किसके साथ जेडन एंड वाटर, देन इट फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन कीटोन एल्डिहाइड प्लस कीटोन्स, ऐसा करके, ठीक, देन इट फॉर्म्स क्या, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में लिख सकता था। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, जल्दी बोलो पहले। नो सर नहीं है, स्टेटमेंट प्लीज स्टेटमेंट, राइट डाउन द स्टेटमेंट सर। हाँ स्टेटमेंट लिखो, पहले स्टेटमेंट लिख लो। यस, कुछ बोलना चाह रहा है कोई? हाँ सर, वो मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ 10 मिनट से, आप ज्वाइन कर एक्सेप्ट कर लो ना प्लीज। दूसरे डिवाइस से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ आप एक्सेप्ट करो ना उसको, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा। तो मैं क्या एक्सेप्ट करूंगा, कुछ नहीं करना है उसमें, मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं सर, डिवाइस में तुम्हारे प्रॉब्लम होगा, होस्ट इज नॉट अलाउइंग यू, ऐसा आ रहा है, होस्ट इज नॉट अलाउइंग यू, ऐसा आ रहा है। हाँ, क्योंकि तुम दो एक ही नाम से दो बार हो रहे हो ना, इसलिए ऐसा आ रहा होगा, अदरवाइज मैं तो अलाउ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको पहले ऑफ करो, तब तो होगा ना। ओके सर, मैं लीव कर, हाँ पहले इसको लीव करो।
सर हाँ बोलो, वो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है उस दोनों में, वो समझ में नहीं आया। इसने क्या किया, रिडक्शन की वजह से बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ठीक। तो देखो यहां पर इसके साथ ऑक्सीजन जा रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन जा रहा है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया, Zn O बना लिया, एक ऑक्सीजन चाहिए था, ठीक। ओके ओके सर। हाँ और किसी का कोई बोलो, जल्दी से बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज, रेवती का ही प्रॉब्लम आएगा। यस हाँ बोलो सर, कौन सा भी मेटल ऑक्साइड बनेगा ना? नहीं नहीं नहीं, कौन सा मेटल का, जब जेडन का हो रहा है तो। ओके सर। हाँ भाई बोलो, और किसी का डाउट? अथर्व तेरे यहां से रनिंग कमेंट्री हो रही है। सॉरी सर। हाँ सिर्फ जेडन चलता है, सिर्फ जेडन चलता है। लिखो प्लीज, राइट डाउन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखो, अपने आप क्लियर हो जाएगा फिर से। वेदांग स्टेटमेंट लिख, वो ब्रीफ रिवीजन ही है। लिखो व्हेन व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विथ, व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विथ ओजोन, व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विथ ओजोन, when alkene is reacting with ozone, then it forms ozonoid, 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 then it forms ozonoid by breaking double bond of alkene, and when ozonoid is treated with Zn, with water, with water, then it forms mixture of aldehydes or ketones, mixture of aldehydes or ketones, sir. When ozonide is treated with, uske baad kya tha? Treated with Zn and water, yeah, Zn in presence of water, then it forms mixture of aldehydes and ketones. नहीं ऐसा नहीं हो सकता दर्शन, दैट इज प्रोवाइडिंग मीडियम, जेडन अपने से हाइड्रोक्साइड वगैरह नहीं बनाएगा,
वो डेट इज प्रोवाइडिंग पोलर मीडियम. हाँ वेदांग कोई प्रॉब्लम? वेदांग नो प्रॉब्लम. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है तो ओजोनोलिसिस क्यों बोला? लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन बाय मीन्स ऑफ ओजोन ना. उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो प्लीज. तो तुम्हें हेडिंग में बुक्स वगैरह में कहीं कहीं पर हेडिंग लिख सकता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, है ना. इट मे राइट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस स्पेशली क्वांटिटी एग्जाम्स में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही वर्ड यूज करेगा. तो उसमें लिखो उस लाइन को छोड़ करके प्लीज. नीचे लिखो लिखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ब्रोकन विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ब्रोकन विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ब्रोकन विथ ओजोन इज ब्रोकन विथ ओजोन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ब्रोकन विथ ओजोन सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस. ठीक है ना. उसके बाद लिखो उस लाइन को छोड़ दो नीचे लिखो उसके बाद लिखो उस लाइन को छोड़ करके फिर से नीचे लिखो लिखो इन सेकंड स्टेप इन सेकंड स्टेप इन सेकंड स्टेप वन ऑक्सीजन इज कमिंग विथ Zn One oxygen is coming with Zn and forming ZnO. One oxygen is coming with Zn and forming ZnO. ये reaction मैंने पहले ही बोला पूरा alkene का reaction will be repeated in whole chemistry. तो इसका मतलब है ये सारी चीजें फिर से आनी है तो मैं वहां और ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा. अभी तुमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा वुड्स रिएक्शन का मैंने इंट्रा नहीं पढ़ाया क्रॉस नहीं पढ़ाया बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं कराया. सर आप एक बार स्टेटमेंट रिपीट करेंगे क्या? हाँ मैंने लिखा था कि इन सेकंड स्टेप ऑक्सीजन ऑफ ओजोनॉइड इज कमिंग विथ Zn एंड फॉर्मिंग ZnO. So it is called as reductive step. So it is called as reductive ozonolysis. So it is called as reductive ozonolysis. So it is called as reductive ozonolysis. Thank you, sir. Note कर लिया सबने? चलो आ जाओ एग्जाम्पल ले लो. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर पता है तुमको बुक्स में ऐसा लिखेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा लिखेगा. अब बोलो क्या करो या तो फिर एक एक स्टेप करके लिखो एक एक स्टेप करके लिखो एक एक स्टेप करके लिखोगे तो क्या बनाओगे पहले इसका घर बना लो बेटा है ना. एल्कीन का तुमने घर बना लिया Zn H2O आया ये तोड़ फोड़ किया घर में और यहां से काटा पीटा किया और काटा पीटा करके ये ऐसा बना दिया
ये देखो मैंने ये जो किया था, इसको कट करो, दो दो मोदक लड्डू पकड़ा दो, खत्म, सिंपल। कुछ ना करो, दो दो मोदक लड्डू पकड़ा दो, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर। वेदांत काई प्रॉब्लम? नहीं। अथर्व 12th क्लास में यही रिएक्शन जब दोबारा आएगा तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर कर दूंगा, जो यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूं, है ना। Shall I move to next page? पूरे जाऊ उनका सर, 1 मिनट। डन सर। प्रथमेश है क्या? प्रथमेश प्रथमेश अरे अभिदा रुक तो, अभी तो मैं पता नहीं कहा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। यस सर। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जो तिलो के दिमाग में चल रहा हो मैंने उसको नहीं दिया हो? ये देखो पिछले वाले एग्जांपल में बोथ वर एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड था और ये भी क्या था? एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, या यू कैन से मिथेनल एंड इथेनल। नाउ अब तुम लोग क्या करो, O3ZnH2O क्या कर, ये तलवार निकाल, खचाक 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 किया, ये ले, इधर काटा और लड्डू पकड़ा दिया, रोने नहीं दिया। बच्चे होते ना, मारा, मार करके चॉकलेट पकड़ा दिया कि ताकि उसकी मम्मी ना आ जाए, बस ये लड्डू पकड़ा दिए, ठीक। एक बन गया कीटोन, दूसरा बन गया एल्डिहाइड, ये क्या हो गया? प्रोपेनोन। ये क्या हो गया? दो कार्बन तो इथेन, आगे लगा देता था मैं अल। तीसरा कंडीशन, ऐसा ले लिया, फिर से क्या करो, बोलो क्या करो, तलवार निकाल। सब लोगों ने निकाल लिया तलवार और काटना स्टार्ट कर, और काट करके प्रोडक्ट बना, इसको काटो और लड्डू पकड़ा दो मुंह पे। नाउ टेल मी द प्रोडक्ट, टेल मी द प्रोडक्ट एवरीवन, फास्ट एवरीवन, प्लीज टेल मी द प्रोडक्ट। एक हो गया CH3CH3 डबल वन ओ, दूसरा लड्डू इसको दिखा करके रख दिया ऊपर। ऐसा है ना, हर बार दोनों के दोनों क्या है? कीटोन। ये भी क्या है? तो दिस इज प्रोपेनोन, दिस इज ब्यूटेनोन। सर हर बार इसी फॉर्म में नोन एंड ब्यूटेनोन, यस प्लीज। हाँ हर बार इसी फॉर्म में आता है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं? ये तो हर बार इसी फॉर्म में आता है, हर बार और यही फॉर्म में आता है। हाँ इसी फॉर्म में आएगा, डबल बॉन्ड को हटाओ और ओ और ओ लगा दो, है ना। इफ डबल बॉन्ड इज हैविंग हाइड्रोजन विल फॉर्म एल्डिहाइड, इफ इट इज नॉट हैविंग हाइड्रोजन अराउंड डबल बॉन्ड देन इट विल फॉर्म कीटोन।
तो फर्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, सेकंड एग्जांपल एल्डिहाइड प्लस कीटोन, थर्ड एग्जांपल कीटोन प्लस कीटोन। हाँ या ना? ये सब लोगों को अच्छा लगेगा मुझे ऐसा लगता है। अब बोलो जल्दी से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जल्दी बोल। फास्ट आर्या, गलत ना होना चाहिए। ऑर्गेनिक में फिंगर टिप पे कर दूंगा, टाइम आने दो। अगले कंपाउंड में दो कंपाउंड में कैसे डिवाइड करें? पहले वाले कंपाउंड में क्या बनेगा? तलवार निकाल, जहां भी डबल बॉन्ड है क्या कर, कट कर। रोने लग गए, ऊपर लड्डू नीचे लड्डू पकड़ा करके हैप्पी कर दे बस। हो गया सर, मतलब इसमें एक ही कंपाउंड आएगा? एक ही कंपाउंड आएगा है ना? नीचे वाला, नीचे वाला प्लीज, ऊपर वाले में एच की जगह सी एस टी लगा दे। हो गया, का ही प्रॉब्लम आहे का? तलवार निकाल, ये ले शॉर्ट से मैंने चाकू, जिसके पास चाकू है वो चाकू से कट कर, ये ले मार करके खून निकाल दिया हमने। जा रहा होने लग गया, लड्डू पकड़ा लिए। तो अगर एक ही कंपाउंड बन रहा है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? दैट मे बी व्हाट? साइक्लिक कंपाउंड, दैट मे बी साइक्लिक कंपाउंड। शैल आई मूव टू नेक्स्ट वन? अभिदा, यस सर। अब तो हैप्पी है? यस सर। तो मुझे भी जब ऑक्सीजन देंगे तब तो मैं मतलब कि कुछ करने के लिए करूंगा। ये लो, कौन इसको करके बताएगा बाबा? और जितने भी हैं सभी जगह क्या हो जाएगा? ये प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड में आता है कि राइट डाउन ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, सभी पर एक एक हाइड्रोजन 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 है, सभी जगह कट करो, खचाक खचाक खचाक। नहीं है तो नंबरिंग कर दो बेटा, नंबरिंग कर लोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा कि कौन सा कार्बन कहां पे भाग रहा है। तो ऊपर कट कर पहले वाले पर, दिस इज कार्बन नंबर वन। नीचे जा, कार्बन नंबर टू, दिस इज कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर सिक्स एंड फाइव, नंबरिंग कर दिया थ्री फोर फाइव सिक्स। मेरा वॉइस इन ऑडिबल बोल रहे हैं आदित्य, ऐसा है क्या भाई सब लोगों को? नो सर, नो सर, नहीं सर, आ रही है आपकी आवाज। आदित्य फिर से ज्वाइन कर, लीव करके आ, इफ प्रॉब्लम रिमेंस से पता है कंपटीशन में इसका उल्टा आता है। उल्टा क्या आएगा?
तुमको ये प्रोडक्ट दे करके बोलेगा रिएक्टेंट क्या रहा होगा, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सपोज दिस वन इज द प्रोडक्ट देन वॉट विल बी द रिएक्टेंट। तो क्या करो, दोनों ऑक्सीजन को सामने सामने रख और निकाल करके वहां पे डबल बॉन्ड लगा दो। कैसे? ऐसा ऐसा, एक सी एस थ्री इधर, एक सी एस थ्री सी एस टू इधर, बस। अब दोनों ऑक्सीजन को ज्वाइन करके रिएक्टेंट बना ले, ऐसा करके। फाइंड आउट रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, दिस वन इज द प्रॉब्लम। ओके हर्षित कुमार, समझ में आ रहा है? सर वॉइस ना कम, मेरी आवाज सर आ रही है? आ रही है भाई। क्या करो, रिएक्टेंट का नाम बोल, एवरीवन रिएक्टेंट का नेम, नेम ऑफ द रिएक्टेंट। बस, सो दिस इज वन टू थ्री फोर, टू मिथाइल, टू मिथाइल। काही प्रॉब्लम? नो सर। डन सर। डन, एवरीवन डन। आई थिंक प्रथमेश अभी भी नहीं है। चलो भाई डन। चलो अगर डन है तो, अगर डन है तो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, please write down next heading, please write down next heading, next heading likho hydroxylation, of alkene। what is the hydroxylation ka matlab kya ho gaya? हाइड्रोक्सीलेशन का मतलब हो गया मैं OH OH ऐड कर रहा हूं, है ना? अल्काइलेशन, अल्कोहल, यस अल्कोहल को मैं ऐड कर रहा हूं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, एडिशन ऑफ OH, वेरी गुड। अब तो समझ में आ रहा होगा, जिसमें भी मैं एसन लगा दूंगा, एसन, है ना, वो चीजें प्रोसेस होने लग गया। अल्काइलेशन, अल्काइल ऐड किया, हैलोजन, हैलोजन ऐड किया, हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन हैलोजन ऐड किया, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड किया, ऐसा टाइप का। नाउ नोबडी विल राइट एनीथिंग, तुम्हारे बुक में डायरेक्टली दिया है, बड़ी अच्छी बात है, इस बार ऐड कर दिया उन्होंने। मैं यहां पे कोल्ड एंड डाइल्यूट के एम एन ओ फोर लिया। दिस कोल्ड एंड डाइल्यूट के एम एन ओ फोर इन द प्रेजेंस ऑफ
aqueous NaOH or KOH is called as the most important one is Bayer's reagent. क्या नाम दिया? Bayer's reagent. इसका नाम है Bayer's reagent. अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है. सिर्फ देखो भगवान महादेव कैसे लग रहे हैं. नहीं दिखाई देते हुए भी सब कुछ किए जा रहे हैं. तो ये क्या है? कोल्ड है ना. एक्वा मीन्स क्या हो गया? वाटर. अगर एक्वा मीन्स वाटर हो गया तो दिस विल बी ऐसा. ठीक. आई सेड कोई कुछ नोट नहीं करेगा. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, मैं उसको एनलार्ज्ड वे में करा दे रहा हूं. तुमको 12th क्लास में फिर से जब यही आएगा लेटर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, सारा रिएक्शन बोल रहा हूं मैं, सब आने वाला है. अब जब तुमने ये ले लिया, उसके बाद तुमने यहाँ पर एक्वेस केओएच वगैरह ये सब लिया था. एक्वा मीन्स वाटर. मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए? प्लस. ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आना चाहिए? माइनस. तो ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस है वहां पे क्या चला गया? एच प्लस. ऑक्सीजन के पास जो माइनस है उसके पास क्या चला गया? एच प्लस. ऐसा दो एच एच ग्रुप एड हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज हाइड्रोक्सीलेशन. पहली बात. दूसरी बात, यू कैन नॉट से दिस इज हाइड्रेशन. हाइड्रेशन में एच प्लस ओ एच माइनस एड होता था, यहाँ पे ओ एच ओ एच एड हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज हाइड्रोक्सीलेशन. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सभी लोग, ये कुछ ऐसा है और तुम्हारा फिंगर को स्ट्रेच कर लो. वी शेप में फिंगर को स्ट्रेच कर लिया. अगर तूने फिंगर को स्ट्रेच किया अपने वी शेप में, अगर इसको ऐड में करूंगा यहां पर, दोनों फिंगर को एक पेन ले लो. पेन पर ये डबल बॉन्ड है, ये पेन है यानी डबल बॉन्ड है. इस पेन को जो वी शेप है उस पर रख दो, वी शेप पर रख दो उठा करके. क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक फिंगर ऐसा और एक फिंगर मैं ऊपर ले जा करके रखूंगा? ऐसा नो, इट इज नॉट पॉसिबल. बोथ मस्ट बी एडेड फ्रॉम फिंगर, तुम्हारे बोथ मस्ट बी एडेड फ्रॉम सेम साइड. अगर दोनों सेम साइड से हो रहे हैं तो नया नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. अब ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, बट क्यों ना मैं थोड़ा सा पहले से करता हुआ चलूं. कॉम्पिटिशन का भी हो जाएगा पूरा, अच्छे से हो भी रहा, काही डाउट आएगा यस और नो, यस और नो. तो ये विसिनल डाई हैलाइड टाइप का हो गया, विसिनल डाई हेलोजन डाई, विसिनल डाई सिन 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 मतलब सेम, दर्शन सिन मतलब सेम साइड, एंटी मतलब अपोजिट साइड. इसके पहले हमने कल किया था यानी लास्ट लेक्चर में, बीआर वर एडेड एंटी टू इच अदर, अपोजिट टू इच अदर, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज एंटी एडिशन. हाँ है ना? अगर समझ में नहीं आता है तो मैं वीडियो ऑन करूं और मैं फिर से समझाऊं. मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है. Everyone is getting the, है ना? सर एक बार फिर से समझाएंगे. वीडियो ऑन करूं क्या मैं? सर वीडियो ऑन करके बताओ ना. ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम, प्लीज गिव मी टाइम, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं भी तो वीडियो बंद करके बैठा.
नहीं तुम लोग को लगेगा कि कौन है, मुझे पहचान ही नहीं पाओगे सब लोग। एक मिनट, चलो भाई बस एक ही मिनट, बस 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 बस। हाँ मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ। हाँ सर। हाँ अब मैं ये बोल रहा था कि सपोज दिस इज डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होना है। नाउ दिस वन इज MN, ये वाला MN है, जहां पे ज्वाइंट है ये फिंगर, दिस इज MN, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे ही दो ऑक्सीजन अभी नीचे हैं, ठीक, तो ये ऐसा ज्वाइंट हो रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे। दिस इज नॉट पॉसिबल कि मेरा एक फिंगर यहां से ज्वाइंट हो और एक फिंगर देखो जा ही नहीं रहा कि एक फिंगर यहां से आकर के इधर से ज्वाइंट हो, एक फिंगर इधर से डाउनवर्ड साइड और एक फिंगर अपसाइड, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, हाँ या ना? यस सर, यस सर, इट इज नॉट पॉसिबल कि वन फिंगर इज जॉइंट फ्रॉम डाउनवर्ड साइड एंड वन फिंगर इज कमिंग फ्रॉम अपवर्ड साइड, नॉट पॉसिबल, सो दे मस्ट बी जॉइनिंग फ्रॉम सेम साइड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सिन एडिशन, दिस इज कॉल्ड एज सिन एडिशन, this is called as syn addition. I don't think there is any problem till now. No sir. Both OH are added from same side. Both OH are added from same side. That's why this is called as syn addition. एक सी एक OH ले ऊपर से नीचे से आता, this is called as anti addition. चलो भाई. So please write down the statement first. अच्छा ये Bayer's reagent, can you believe, ये IIT में आया हुआ है, but 78, 79 वगैरह में आया हुआ है, ऐसा कि Bayer's reagent is, तो Bayer's reagent is nothing but cold and dilute KMnO4 in the presence of aqueous KOH के presence में है, okay? काई doubt? आए का? No, sir. नहीं, अगर नहीं है तो प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, लिखो when alkene is reacting with cold and dilute KMnO4, cold and dilute KMnO4, cold and dilute KMnO4, तुम अपने बोर्ड में, बोर्ड के टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे, मैं तुमको सियोरिटी दे रहा हूं तुमको समझ में नहीं आएगा जो इन्होंने दिया है, इसलिए बेस्ट ये है कि मैंने जो कराया है उसको कर लो, है ना? तो लिख लिया मैंने, लिखो when alkene is reacting with cold and dilute KMnO4 in the presence of aqueous KOH, तुमको सिर्फ OH minus भी लिख सकता है, aqueous alkali लिख सकता है, तो समझो मैं सारी चीजों को बार बार बताता हूं कि क्या हो सकता है other than this one. तो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वेस KOH, यू मे राइट ब्रैकेट में अल्कैली, अल्कैली मतलब फर्स्ट ग्रुप के बेस, बट वो एक्वेस होना चाहिए, डाइल्यूटेड होने चाहिए, और पूरे कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 को ब्रैकेट में लिख करके तुम
बेयर्स रिएजेंट लिख लो, बेयर्स रिएजेंट नोटेड। हाँ मैंने बोला कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, उसको ब्रैकेट में लिख करके बेयर्स रिएजेंट लिख दो, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड में ऐसा बताया है टेक्स्ट बुक में, जो तुझे समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। मैंने ऐसा बता दिया जो तुम्हारे पास कंपटीशन में भी आ जाएगा, बोर्ड में भी, बोर्ड में अगर मैं लिख दिया तो एग्जामिनर भी हैप्पी हो जाएगा, उसको भी लगेगा कि नया इंफॉर्मेशन मिल गया और स्टूडेंट तो बहुत ही ब्रिलियंट है जो सब कुछ जानता है। लिखो लिखो, व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विद कोल एंड डाइल्यूट KMnO4 ब्रैकेट में बेयर्स रिएजेंट, देन इट इज फॉर्मिंग, देन इट इज फॉर्मिंग, then it is forming, then it is forming, then it is forming, then it is forming alkane diol, then it is forming alkane diol, then it is forming alkane diol. I don't think there is any problem till now. उसके बाद स्टेटमेंट लिखो और नीचे उस लाइन को छोड़ करके, उस लाइन को छोड़ करके नीचे, उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो, लिखो both OH, both OH is added from same side, both OH are added from same side। ये समझ लो मैंने बहुत डिटेल में करा रहा हूं तुम लोग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक में गिवन चीजों को, वट एवर द गिवन इन द टेक्स्ट बुक आई एम एक्सप्लेनिंग इन बेटर वे बस। और मैं तुम लोग को बोल दूं टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से डीप में कर लिया जाए, मैं IIT नीट क्रैक कर सकता, IIT तो नहीं बोल सकता बट नीट डेफिनेटली हम लोग क्रैक मार लेंगे, JEE मेंस डेफिनेटली क्रैक मार लेंगे। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सही, देन इट इज फॉर्मिंग डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक, देन इट इज फॉर्मिंग एल्केन डाइऑल। उस लाइन को छोड़ करके मैंने नीचे लिखा कि बोथ OH आर एडेड फ्रॉम सेम साइड, सो इट इज कॉल्ड एज सिन एडिशन, सिन एडिशन। सो इट इज कॉल्ड एज सिन एडिशन। नेक्स्ट लाइन लिखा मैंने, लिखो इन दिस रिएक्शन, in this reaction, in this reaction, in this reaction OH is added, OH, OH is added, OH is added, so it is called as hydroxylation reaction, so it is called as hydroxylation reaction, so it is called as hydroxylation reaction। Sir, फिर से repeat करेंगे। हाँ, लिखो in this reaction OH is added, OH is added, so it is called as hydroxylation reaction। ठीक? It is hydroxylation of alkene। called as hydroxylation of alkene, yeah, hydroxylation reaction of alkene। Any problem till now? No sir, no sir। So please note down। पूरा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर।
या वीडियो की वजह से स्क्रीन हाफ हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रही है सर। दिख रही है, चलो ठीक है सर। प्लीज प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन फास्ट। एल्कीन यू कांट बिलीव, कंपटीशन के लिए दिस इज अ पिलर ऑफ द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मतलब तुमने ध्यान दिया, इससे मैं HBr का रिएक्शन करा दिया, मार्कोनिक कॉक्स रूल, एल्किल हैलाइड बन गया, डाइल्यूट से रिएक्शन किया, एल्कोहल बन गया, ओस्मोलिसिस किया, एल्डिहाइड कीटोन बन गया। तो तीन चैप्टर में मैं घुस रहा हूं यहां से। तो वेन एवर दे विल स्टार्ट द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, दे विल स्टार्ट विद एल्कीन। तो एक ही रिएक्शन में चार पांच चैप्टर आ जाते हैं, एंड बेसिक इज दिस वन, एल्कीन। स्पेशली इन एडवांस IIT एडवांस, इन अ सिंगल प्रॉब्लम दे कैन कंक्लूड होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ थिंक व्हाट आई एम सेइंग, देख लो तुम्हारे सामने ही है, दो चैप्टर है यहीं पर। एल्कीन से स्टार्ट किया, एल्कोहल में आ गए, इसके आगे रिएक्शन स्टार्ट करा दूंगा तो किसी और चैप्टर में चले जाओगे। सो दिस इज 2.3 ब्यूटेन डाइऑल या ब्यूटेन 1.2 डाइऑल। यस ऐश्वर्या बोले डन, ऐश्वर्या क्यू हो गया क्या? डन भाई बोले डन। सो क्यों ना मैं और एग्जांपल ले लिया जाए, अगर डन है तो ठीक। CH2 डबल बॉन्ड CH2, पता है तुम लोग को बोर्ड में क्या करना चाहिए? कहीं कहीं पे सिर्फ कोल्ड KMnO4 लिखेगा और ऐसा लिख देगा, तो तुमको समझना है। तो ये क्या हो गया, इसका नाम है इथाइलीन ग्लाइकॉल। कभी देखा क्या लोगों ने इथाइलीन ग्लाइकॉल? मैं IUPAC नेमिंग में भी ये बात किया था, आगे भी करूंगा चैप्टर में। इथाइलीन ग्लाइकॉल कभी लाइफ में देखा क्या, उसका मिक्सचर वगैरह ये सब? वो सब इथाइलीन ग्लाइकॉल नो सर, देखा है वेदांग? कभी कफ वगैरह हुआ होगा तो सिरप पिया होगा, उस सिरप में देखना। कभी कभी देखना बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलता है ज्यादा नहीं पीना चाहिए वो वाला सिरप, पता है क्यों? वो इसमें इथाइलीन ग्लाइकॉल होता है, एल्कोहल है, इसीलिए उसको पीने के बाद नींद आती है। नो 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 श्रावड़ी, सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं होता रे बाबा, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब अल्कोहल मिला दिया तुमने। ये कफ सिरप वगैरह में होता है, जाकर के देखना अब उस पर उसका कॉम्पोजिशन, तो इथाइलीन ग्लाइकॉल लिखा होता है, ठीक है ना? इसीलिए उसको पीने के बाद मुझे नींद आती है, मुझे मतलब सब लोगों को नींद आती है, क्योंकि अल्कोहल है। अल्कोहल क्या करना है कुछ बताने की जरूरत ना है, मतलब इनडायरेक्ट वे में सब लोग लिए हुए। मैंने इसी पर कोल्ड एंड डाइल्यूट, पता है कभी कभी ऐसा ने लिख करके टेम्परेचर लिख देता है। टेम्परेचर का मतलब है कि माइनस में दे दे, 1-3 डिग्री दे दे, वही है कोल्ड। इनडायरेक्ट वे में तो समझना है रिएक्शंस को, इसी रिएक्शन को
if you are writing Br2 in the presence of CCl4, अब देखो प्लीज कार इंजन में भी यूज किया जाता है सावणी, लेकिन सभी जगह नहीं करते हैं, जहां पे कोल्ड सीजन होता है उधर करते हैं। ओके सर। वाटर को फ्रीज नहीं होने देता है, पुणे में यूज नहीं करेंगे। कार में जो भी रेडिएटर, कार बॉडी रेडिएटर में जो भी वाटर होगा वो फ्रीज हो जाएगा, अगर जम्मू कश्मीर में रहे तू तब। ये देखो एक ने ऐड किया एनटी और एक ने ऐड किया क्या सिन, एस वाई एन, बस इतना ही होता है, सिन एडिशन एनटी एडिशन, सिन एडिशन एनटी एडिशन, सिन एडिशन एनटी एडिशन, उसका रिप्रेजेंटेशन इन दिस फॉर्मेट। हो गया? यस सर। हो गया है तो नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना था, डबल बॉन्ड हटा के ओएच 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 लगा देना था बस। नेक्स्ट हेडिंग लिख लिया, रिएक्शन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4। तुम्हारे हेडिंग में दिया है बुक में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करके दिया है। ध्यान से देखो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, फिर से वही वाली बात आ गई, कोल्ड एंड डाइल्यूट का खड़ूस भाई आ गया, कोल्ड एंड डाइल्यूट का खड़ूस भाई आ गया, ये तो सब टोड़ा फोड़ी मचाना स्टार्ट करते हैं ये लोग। ठीक, ये देखो तुमको बुक्स में ऐसा लिखेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्यों, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, एच प्लस का मतलब हो गया एसिडिक मीडियम रेडॉक्स रिएक्शन। भाई जितने भी ऑक्सीजन चाहिए, ये तो डबल बॉन्ड ऑक्स, उसने क्या किया था, ओजोन ने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया था, ये तो उससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जब तक ऑक्सीजन चाहिए तब तक देता रहेगा, इसलिए इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीजन से देने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिड, वो बनेगा एसिड, यहां पर भी ये बना लिया ऐसा एसिड। ठीक, तो टू मोल्स ऑफ एसिड बना रहा है अगर एच एच है तो, अभी नोट मत करो, ये देखो अगर यहां पे एच नहीं है तो पता है तुमको कंसंट्रेटेड KMnO4 वगैरह लिख करके मैं ऐसा बना दूं बस, वो देखो वहां पे हीट नहीं था कोल्ड था, यहाँ पे हीट किया है, तो भाई ये डबल बॉन्ड वगैरह सबको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और ऐसा। ध्यान से देखो अगर यहाँ पे COOH रहेगा तो कार्बन विल फॉर्म फाइव बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई ये बनाएगा सिर्फ कीटोन, जहां पर हाइड्रोजन है एल्डिहाइड बनाया लेकिन बाद में वहां पर OH और भी डाल दिया, तो इट कैन गिव मिक्सचर ऑफ कीटोन कीटोन, एसिड एसिड, एसिड प्लस कीटोन। सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट,
प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, लिखो व्हेन व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KNO4, व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KNO4, डाइल्यूट वाले का उल्टा भाई, डाइल्यूट वाले का खड़ूस भाई, तो व्हेन एल्कीन इज रिएक्टिंग विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KNO4, देन इट इज फॉर्मिंग, देन इट इज फॉर्मिंग, देन इट इज फॉर्मिंग then it is forming then it is forming mixture of then it is forming mixture of mixture of acids and or kar le mixture of acids or ketones mixture of acids or ketone ठीक, ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज, ऑक्सीजन इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन. प्लीज नोट डाउन, मैंने कुछ ना किया है, टेक्स्ट बुक को ही बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एक पता है क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर तुमने टर्मिनल रख दिया ना बेटा, तो ये तो पहले जैसा नहीं रहेगा. CH3 COOH, ये देखो, ये यहाँ पे दो दो है, ये क्या करेगा, H को हटा करके क्या लगा दे रहा था, उसके बीच में O आ जा रहा था ना, एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकता, वाटर निकल गया, तो दिस फॉर्म CO2. तो कुल मिला करके दिस इज गिविंग मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस CO2. अगर तुमने टर्मिनल एल्कीन लिया, डेट विल गिव मिक्सचर ऑफ CO2. इंपॉर्टेंट वन, कॉम्पिटिशन में आया हुआ है और बोर्ड में टेक्स्ट बुक में दिया है. दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन टेक्स्ट बुक और हेडिंग इसके बाद लिख लेंगे और लिखने के बाद घर चले जाएंगे हाइड्रो, ताकि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये लिख करके ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन.